नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सेफ्टी हमेशा से ही इंडियन कार कंपनियों के लिए सेकेंडरी रही है और कोई भी कंपनी सेफ्टी पर ज़्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाहती। लेकिन भारत की ही कुछ एक कार मैन्युफैक्चरर्स की बदौलत और कस्टमर्स के चेंज होते माइंडसेट की वजह से ये ट्रेंड अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है और अब कार कंपनियाँ एक के बाद एक सेफ्टी रिच प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडियन मार्केट में अवेलेबल टॉप 10 सेफेस्ट कार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इन गाड़ियों को इनके ग्लोबल एन कैप में मिलने वाले क्रैश टेस्ट रेटिंग के बेसिस पर ही रैंक किया गया है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पे है मारुति सुजुकी अर्टिगा। ग्लोबल एन कैप में इसके दो एयरबैग वाले मॉडल को टेस्ट किया गया था और इस गाड़ी ने एडल्ट सेफ्टी स्कोर में 3 स्टार्स के साथ 17 में से 9.25 का स्कोर हासिल किया है। वहीं इसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में इसने 49 में से 25.16 का रिस्पेक्टेबल स्कोर हासिल किया है। आपको बता दें कि इस टेस्ट में इसकी ABS वाले और आइसोफिक्स एंकरेज वाले मॉडल को इंक्लूड किया गया था। इस लिस्ट में 9वें नंबर पे है फोर्ड की एस्पायर। फोर्ड वर्ल्ड वाइड हमेशा अपने सॉलिड गाड़ियों के लिए जानी जाती है, लेकिन इसने भी इंडिया में कॉस्ट कटिंग के चक्कर में अपने सेफ्टी फीचर्स के साथ कटौती की है। फिर भी फोर्ड की इस गाड़ी ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग में एडल्ट सेफ्टी के अंदर 3 स्टार्स के साथ 17 में से 10.49 का रिस्पेक्टेबल स्कोर हासिल किया है। चाइल्ड सेफ्टी की बात करें तो इसने 2 स्टार के साथ 49 में से 14.22 का स्कोर हासिल किया है। ये 8वें नंबर पर चलते हैं और 8th रैंक पर है मारुति की विटारा ब्रेजा। मारुति की दो गाड़ियां इस लिस्ट में होना ही अपने आप में बड़ी बात है। विटारा को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग में एडल्ट सेफ्टी के अंदर 17 में से 12.51 का स्कोर हासिल हुआ है और इस गाड़ी को 4 स्टार के साथ रेट किया गया है। वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंसी और सेफ्टी की बात करें तो इसने 49 में से 17.93 का स्कोर हासिल किया है और इसे 2 स्टार मिले हैं। इस टेस्ट में विटारा ब्रेजा के ड्यूअल एयरबैग वाले और ABS विद आइसोफिक्स वाले मॉडल को इंक्लूड किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं 7th नंबर की ओर और 7th रैंक पर है टाटा की टियागो और टिगोर। ग्लोबल एनकैप में टाटा की टिगोर को टेस्ट किया गया था, लेकिन क्योंकि टियागो और टिगोर सेम प्लेटफॉर्म पर और सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ बनी हुई गाड़ियां हैं तो टिगोर की ही रेटिंग को टियागो पर भी अप्लाई कर दिया गया है। और वो क्रैश टेस्ट रेटिंग में एडल्ट सेफ्टी के अंदर 4 स्टार का स्कोर हासिल हुआ है और इसे 17 में से 12.52 का स्कोर दिया गया है। वहीं चाइल्ड सेफ्टी की बात करें तो उसे 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग मिली है और इसने 49 में से 34.5 का रिस्पेक्टेबल स्कोर हासिल किया है। दोस्तों, 6वें नंबर पे है वॉक्सवैगन की पोलो। पोलो को ग्लोबल एनकैप ने 2014 में टेस्ट किया था और इस मॉडल को एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 4 स्टार के साथ 17 में से 12.54 का स्कोर मिला है। वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इसने 3 स्टार की रेटिंग के साथ 49 में से 29.91 का स्कोर हासिल किया है। तो 5वें नंबर पे हैं महिंद्रा की मराजो। मराजो को महिंद्रा ने हाल फिलहाल इंडियन मार्केट में अर्टिगा के कंपटीशन के रूप में उतारा था और महिंद्रा की इस गाड़ी ने एडल्ट सेफ्टी में 4 स्टार की रेटिंग के साथ 17 में से 12.85 का स्कोर हासिल किया है। वहीं चाइल्ड सेफ्टी की बात करें तो इसने 2 स्टार की रेटिंग के साथ 22.22 का ही स्कोर हासिल किया है। तो इस लिस्ट में 4th रैंक पर है होंडा की अमेज। होंडा की इस बेस्ट सेलिंग सेडान को ग्लोबल एनकैप ने एडल्ट ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन रेटिंग में 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी है। वहीं इसे 14.08 का स्कोर भी मिला है। चाइल्ड ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इसे ओनली 1 स्टार की रेटिंग मिली है और इसे सिर्फ 8.16 का स्कोर हासिल हुआ है। इसी नंबर पर है टाटा की सब कॉम्पैक्ट SUV नेक्सॉन।
टाटा हमेशा से ही अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है और ये गाड़ी भी इसी पैरामीटर पर खरी उतरती है। इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप ने अडल्ट ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन में 5 स्टार की रेटिंग दी है और इसे 16.06 का स्कोर हासिल हुआ है। वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इसे 3 स्टार की रेटिंग मिली है और इसे 49 में से 25 का स्कोर हासिल हुआ है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है टाटा की एल्ट्रॉस। टाटा की जबरदस्त गाड़ी को अडल्ट ऑक्यूपेंसी में 5 स्टार की रेटिंग मिली है और इसे 17 में से 16.13 का स्कोर मिला है। वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में इस मेड इन इंडिया कार को 3 स्टार की रेटिंग मिली है और 29 का स्कोर हासिल हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों वीडियोस के नीचे बने हुए लाल करके सब्सक्राइब का बटन को दबाएं, साथ ही बने हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर एक इंडियन कार मैन्युफैक्चर की गाड़ी है और ये गाड़ी है महिंद्रा की XUV300। महिंद्रा की सब कॉम्पैक्ट SUV ने अडल्ट ऑक्यूपेंसी में 5 स्टार की रेटिंग के साथ 16.42 का स्कोर हासिल किया है। वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इसने हाईएस्ट 4 स्टार की रेटिंग हासिल की है और वहीं मैक्सिमम चाइल्ड ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इस गाड़ी ने हाईएस्ट 4 स्टार की रेटिंग के साथ 37.44 का स्कोर हासिल किया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सबका दिन शुभ हो।